नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर। नोएडा में युवती के साथ गैंगरेप, युवती ने जान पहचान वालों पर लगाया है आरोप। तो आपको बता दें कि नोएडा से बड़ी खबर आ रही है जहां गैंगरेप का मामला सामने आया है। नोएडा में युवती के साथ गैंगरेप हुआ है जहां उसने यानी कि युवती ने अपने जान पहचान वालों पर ही आरोप लगाया है कि उन्हीं लोगों ने यानी कि जान पहचान वालों ने ही युवती के साथ गैंगरेप किया है। तो आपको बता दें नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां युवती के साथ गैंगरेप का जो गैंगरेप की जो खबर है सामने आ रही है। युवती ने अपने जान पहचान वालों पर रेप का आरोप लगाया है। हमारे संवाददाता गिरीश नारायण इस पूरे मामले पर जुड़ रहे हैं। गिरीश, किस प्रकार देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? जिस प्रकार हम देख रहे हैं पूरे देश में कहीं ना कहीं से खबरें आती रहती हैं कि जो रेप के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में खासकर देखा जाए, अभी एक जो छात्रा भी अपने ट्यूशन जा रही थी उससे भी रेप को लेकर कोशिश की गई लेकिन वो छात्रा किसी तरह बच गई। अब ऐसे ही नोएडा से एक खबर आ रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन लूज है ये देखा जाए। जी निश्चित तौर पर जिस तरह की ये घटनाएं सामने आ रही हैं, लगातार जो यूपी पुलिस है तमाम दावे करती है, महिला सुरक्षाओं को लेकर लंबी लंबी बातें करती है और कहीं ना कहीं ये पूरा इनका दावा जो है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है। और ऐसा ही कुछ नोएडा में भी हुआ है जहां पर एक युवती के साथ इस तरह की घटना हुई है जो अपने आप में ये पुलिस के जो दावों की पोल खोलती हुई नजर आती है। गिरीश, पुलिस ने आगे कार्रवाई करते हुए लड़की को मेडिकल के लिए भेजा या नहीं अभी तक? जो पूरी घटना है मैं घटनाक्रम बता दूं कि करीब आज सुबह तड़के एक सड़क किनारे ये युवती बेसुध हालत में मिली थी, जिसके बाद लोगों ने इसको पुलिस को जानकारी दी और इस युवती को क्या कहते हैं पुलिस ने जिला अस्पताल में एडमिट कराया है। फिलहाल इसके कुछ बयान लिए जा रहे हैं और इसको पूरा उपचार दिलाया जा रहा है और पुलिस का भी कहना है कि वो अपनी जाँच को आगे बढ़ा रही है। गिरीश, जो आरोपी है जिस तरह का युवती ने अपने जान पहचान वालों पर ही आरोप लगाया, तो आरोपियों के बारे में कोई अपडेट है? आरोपी पकड़े गए या उनकी पहचान हो गई है? जी, जो पुलिस के जो आला अधिकारी है उनका कहना है कि वो पीड़िता के बयान ले रहे हैं क्योंकि पीड़िता काफी खराब स्थिति में है, उसका अभी इलाज चल रहा है तो उसके बयान पूरे बयान लेने की कोशिश की जा रही है और तीन लोगों के नाम उसने बताए हैं और उनकी भी क्या कहते हैं तलाश की जा रही है। पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। गिरीश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।